कल कहोगे तोड़ दिया भाईचारा बोलने के चक्कर में। सभापति जी, सदन में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हो रही है, सबब क्यों? ये मुझे छोड़ के चले गए, पहले ही बताओ आप। इस बिल के अनुसार ये एक विमान से संबंधित कई गतिविधियों को रेगुलेट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्वामित्व, उपयोग, संचालन, व्यापार। मोदी इस बिल के माध्यम से सरकार 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 को बदलने की तैयारी करी, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है। सभापति महोदय, बिल के उद्देश्यों और कारणों के अंदर सरकार की ओर से कहा गया है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में सुरक्षा निगरानी बढ़ाने, एविएशन सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रावधानों को प्रभावी करने कई बार संशोधन किया गया। मोदी 90 सालों की अवधि में अनेक संशोधनों के चलते स्टेक होल्डर के लिए पैदा हुए भ्रमों और अस्पष्टताओं को दूर करने, जरूरत से ज्यादा हो गई चीजों को हटाने के लिए बिल लाया गया, ऐसा सरकार के मेरा आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बदलाव तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने एविएशन सेक्टर में विशेषकर जिस तरह निजी कंपनियों का दखल बढ़ाया है, हवाई अड्डों का निजीकरण किया, उससे लगता है कि आप अंग्रेजों के समय से प्रभावी कानून बदलाव तो कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजों की व्यवस्था में बदलाव नहीं करना चाहते, आप बदलाव करें, ये हमारी मांग है मंत्री जी। वायुयान विभाग से संबंधित परेशानियां कई प्रकार की हो सकती है, जो उद्योग के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। वायुयान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चिंता है, तकनीकी खराबियां, मेंटेनेंस में कमी और पायलट की त्रुटियां गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। वायुयान निर्माण और रखरखाव की लागत बहुत अधिक होती है, इसके अलावा ईंधन की कीमतों में वृद्धि और आर्थिक मंदी के दौरान यात्री संख्या में कमी भी वित्तीय संकट पैदा कर सकती है। वायुयान के संचालन से कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इसके अलावा हवाई अड्डों के पास रहने वाले लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है, इस पर भी मंत्री जी आप ध्यान देंगे। मंत्री महोदय, विभिन्न देशों के वायुयान नियम और मानक अलग अलग होते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में कठिनाई होती है, नियामक अनुपालन में जटिलताओं इसके कारण भी उद्योग के लिए बाधा बन सकती है। ऐसे में आप जो बिल लेकर आए उसके प्रभावी होने के बाद ये कठिनाई दूर कैसे होगी? मंत्री जी, हमारे देश में पायलट, तकनीशियन और ग्राउंड स्टाफ की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, जितने भी पद खाली हैं उचित प्रशिक्षण और कुशल मानव संसाधन के सेक्टर में जरूरत है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इन परेशानियों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास और नवाचार की आवश्यकता, ताकि वायुयान उद्योग सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ बन सके। मंत्री महोदय, हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े आंदोलन भी होते हैं, पुलिस लाठियां चलाती है, लोगों को घर नहीं मिलते। अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसान और आबादी क्षेत्रों में रहे लोगों की समस्याओं पर भी आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों को, आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर भी आपको विशेष ध्यान देने, क्योंकि अपन नया कुछ बना रहे हैं तो लोग उजड़े नहीं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें और बढ़ाएं आप हर चीज़ जिससे लोगों को लाभ मिले। मंत्री जी, एयरलाइंस जिन रूटों पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट का ऑपरेशन कर रही है, वहाँ हवाई टिकट के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, न्यूनतम और अधिकतम हवाई किराए में बहुत ज़्यादा फर्क है, ऐसे में यात्रियों को इस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर छुट्टियों और त्यौहार के समय एयरलाइंस कंपनियां मन मर्जी से किराया बढ़ा देती है, इससे भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। मंत्री जी, एविएशन सेक्टर की बात हो रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि एलायंस एयर सरकारी कंपनी है, उसके टॉप मैनेजमेंट के कार्यालय की स्थिति का तो आप संज्ञान लें, किस तरह मन मर्जी की जा रही, तनख्वाह बढ़ाई जा रही, जो ड्यूटी नहीं आ रहा उसको भी तनख्वाह दी जा रही, पूरे मामले की विस्तृत शिकायत आपके कार्यालय में ईमेल से कुछ लोगों ने भेजी भी थी, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, और सरकार ने इस एयरलाइंस के कुछ विमानों को ठीक करवाने के बजट भी दे दिया है, बावजूद इसके उन्हें ठीक नहीं करवाया जा रहा, आप इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें, ये समय पर चलती नहीं, एक एक घंटा डेढ़ एक घंटा देरी कर देती है, तो इस दिशा के अंदर आपको जहाँ नौजवान हैं निश्चित रूप से हमारी बातों को लिखेंगे और इन पर आप कागज वो चलाओ पेन तो अच्छा हो गई आपके ना। मंत्री महोदय, आज पुराने कानून में बदलाव की बात आप करें, लेकिन मेरे राजस्थान के विभिन्न हवाई अड्डे, घरेलू कनेक्टिविटी भी जाने है, मैं आपसे मांग करता हूँ, जोधपुर बीकानेर जहाँ से दो दो मंत्री आते हैं, हमें जोधपुर बीकानेर और किशनगढ़ यहाँ से पकड़नी पड़ती, नागौर से जब जहाज पकड़ना होता है आना होता है, चलती नहीं है साहब, कई बार तो फ्लाइट बीकानेर के अंदर आपने बनाया लेकिन फ्लाइट बीच बीच में छः छः महीने बंद रहती है, उड़ानों की संख्या कैसे बढ़े, अन्य स्थानों के लिए भी यहाँ से घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई, राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य और यह पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इसलिए आपको इस कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, साथ ही हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको नियंत्रित किया जाए। मंत्री जी,
कानून में बदलाव ला रहे हो, धरातल पर बदलाव लाओ, पुराने हवाई पट्टियों में सुधार कराया जाए, हवाई अड्डों पर बढ़ते निजीकरण को आप लोग रोकें। सर अभी ये जो टर्मिनल वन पर जो दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, आप मौके पर भी गए थे, पूरी रिपोर्ट आप मंगाएं, कौन दोषी था, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा हादसा दोबारा नहीं हो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2024 में करीब 16 करोड़ लोग घरेलू हवाई यात्रा करेंगे, जबकि इसमें 3 करोड़ लोग पहली बार हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। साल 2030 तक देश में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या सालाना 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। 30 में हर साल 30 करोड़ घरेलू एयर पैसेंजर के साथ इंडियन कंट्रोल कीजिएगा 10 से 15% होगी और अभी एक बड़ा संभावित बाजार होगा। सभापति जी, हमारा मंत्री जी से विशेषकर यही कहना है कि हवाई कनेक्टिविटी जो देश के अन्य इलाके हैं, जो पुराने हमारे एयरपोर्ट है, नए एयरपोर्ट कहाँ बने, पुराने एयरपोर्ट में रखरखाव सुविधा कैसे हो और आम आदमी को इसका फायदा कैसे मिले। हमारे पूर्णिया से आने वाले सांसद ने बात की थी, पूर्णिया में हवाई अड्डे के साथ उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित होते हैं इनको इमरजेंसी में अगर लाना हो तो ऐसी विशेष छूट का प्रावधान रखें। जैसे कई बार स्टूडेंट को एग्जाम देने जा रहा UPSC का, उसका स्टेट की कोई सेवा का दूर है, उसका ट्रेन रद्द हो जाती है, ट्रेन में रिजर्वेशन है, उस समय वो हवाई जहाज का उपयोग करना चाहता है लेकिन उसकी स्थिति अगर ठीक नहीं हो तो ये व्यवस्थाएं भी अपने को सोचनी है। आम आदमी को हवाई यात्रा करने का मौका मिले, गरीब आदमी को भी हवाई यात्रा करने का मौका मिले इस देश के अंदर, इसमें आप बड़ा सुधार करो कि आप जवान हैं और हमारे साथ लगातार दूसरी बार आप भी मंत्री हैं तो निश्चित रूप से हमारी बातों को आप सुनेंगे और सांसदों का भी सम्मान ज्यादा कैसे हो हवाई अड्डों पे, इस बात का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आम आदमी जो स्वीकृति को लेकर कई बार शिकायत आती है, आम आदमी परेशान, आम आदमी कंट्रोल कीजिएगा श्री चंद्रशेखर, ये सारा आपस में सामंजस्य बिठा के और इस हमारी जो हवाई जहाज से जो इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारी हिंदुस्तान की हवाई सेवा है वो बेहतर कैसे बने, आम आदमी को इसका फायदा मिले और देरी से कई बार विमान धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं मेरा ही बता दूं आपको, एक बार वो जयपुर जाना था, 7 बजे का मैंने कराया खादी थी और बेनीवाल जी धन्यवाद, बेनीवाल जी धन्यवाद।